इंडिविजुअल है, वो एक्शंस परफॉर्म करने वाला है, राइट। ठीक है, हम दो एक्शंस करेंगे यहां पे। तो एक्शंस परफॉर्म कर रहा है डेफिनेटली, ओके। तो वो कोई ना कोई फ्रीविल ही हम कहेंगे उसे, फ्रीविल यानी उसकी इच्छा जो है वही करेगा वो। लेकिन ये फ्रीविल के पीछे अगर जो ड्राइविंग फोर्स है, चलो इस पैसे निकालते हैं, फ्रीविल ये एक्शंस के पीछे का ड्राइविंग फोर्स जो है वो अगर पैशन है और उससे परफॉर्म करने वाले एक्शंस, यानी हम फ्रीविल के आधार पे कहेंगे इसे, जो भी आप परफॉर्म करोगे यहां पे स्पेसिफिकली, दे विल लीड यू टू व्हाट, बॉन्डेज। चलो इसको ऐसे भी लिख सकते थे एक्चुअली, कि पैशंस विल ड्राइव योर फ्रीविल। है आपको फ्रीडम है डेफिनेटली, तो उसके बाद जो एक्शंस परफॉर्म करोगे वो किसे ड्राइव हुए है, पैशन से ड्राइव हुए है, राइट। अगर वो फ्री विल आपने ड्रिवन बाय द पैशन से और उस बेस पे एक्शन परफॉर्म करते हो, तो आप कहां होगे, बॉन्डेज में आओगे, ओके। और दूसरी तरफ वो बताते हैं, सिमिलरली इफ यू सी दैट, अदरवाइज इफ वी से दैट द फ्री विल, दैट अगेन सिमिलरली, यहां पे भी फ्री विल है, यहां पे भी फ्री विल है, लेकिन इस फ्री विल का जो कारण है वो है रीजन। रीजन किस बात का, किस बात के बारे में अवेयर हो, दैट इज द नेचुरल लॉज ऑफ व्हाट हैज बीन डिटरमाइंड बाय द गॉड। मैं कौन हूं, क्या है मेरा अस्तित्व, मैं कहां जाना चाहिए, मेरा नेचर क्या है, मैं किस डायरेक्शन में मैंने अपना कर्म करना चाहिए, एक्शन परफॉर्म करने चाहिए, मेरा फ्री विल किस दिशा में यूज करने चाहिए, अगर उसके रीजन क्लियरली आपको आर्टिकुलेट है ऑन द ग्राउंड ऑफ द नेचुरल लॉज determined by the God, then definitely मेरे free wills कैसे होंगे, उससे perform होने वाले actions, they will take me towards the absolute reality. और इसी के आधार पे, इसी के धरती पे हम क्या बता सकते हैं, that we experience the intellectual love of a God. और इसी particular segment को वो क्या कहते हैं, highest freedom. ये क्या है हमारा, हाईएस्ट फ्रीडम है। इस हाईएस्ट फ्रीडम के कहीं पे बियॉन्ड हमको जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द अल्टीमेट नेचर ऑफ अवर एक्सपीरियंस ऑफ अ फ्रीडम। इसको हम अगर फ्रीडम कहना चाहते हैं, फ्री विल कहना चाहते हैं, तो सॉरी कहेंगे वो कहेंगे कि भैया आप बॉन्डेज की तरफ जा रहे हो। सही बात ध्यान में। इसी प्रकार से स्पिनोजा इस टोटल अपने फ्रीडम फ्री विल को एक्सप्लेन करते बेहतरीन तरीके से, कोशिश करते हैं कि वो एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर दे इन सबका,